आज मैं आपके साथ गैरी केलर की एक बुक है द मिलियनर रियल एस्टेट इन्वेस्टर, इसकी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। पहला, गैरी केलर का कहना है आपका मिलियनर रियल एस्टेट माइंडसेट होना चाहिए। तो माइंडसेट जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म गोल यानी आपका जो थिंकिंग है कि लॉन्ग टर्म गोल हो कि आप जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो 10 साल 5 साल या 20 साल के बाद आपको कितना फ़ायदा होगा, आपका गोल क्या है, आप 5 साल में 2 प्रॉपर्टी लोगे या 10 साल में 4 प्रॉपर्टी लोगे, जब आप रिटायर होगे तो आपकी इन प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी और इसकी पैसिव इनकम रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होगी। तो ये आपका गोल, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कैलकुलेटेड रिस्क। आप रिस्क कैलकुलेट करते हो कि मैं 10 साल के बाद बेचूंगा या 5 साल के बाद बेचूंगा तो मैं मुझे यानी इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क क्या है। मैथ ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग, मैथ यानी हिसाब किताब। कोई भी बिजनेस के लिए आपको पता है, छोटे से बड़ा बिजनेस करो आप, उसके लिए हिसाब किताब होना बहुत ज़रूरी है। यानी जो है एनालाइज करें डील को कि इस डील पे मुझे कितना फ़ायदा होगा, कैश फ्लो क्या होगा, फ्यूचर रिटर्न क्या होगा, कैप रेट क्या होगा। और इसके लिए आपको ज़ाहिर है नॉलेज की ज़रूरत होती है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ी बहुत कम अज़ कम नॉलेज होनी चाहिए कि इसके लिए आप बुक्स पढ़ें, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती है। ट्रैक योर बैलेंस शीट, हमको हमारी बैलेंस शीट यानी हमारी जो नेट वर्थ है वो हमेशा हमको देखनी चाहिए कि मेरी नेट वर्थ क्या है। बहुत सारे आपकी प्रॉपर्टी तो आपके पास मिलियन की है लेकिन उस पर 900,000 आपकी जो है बैंक की मॉर्गेज या लोन है, तो इसका मतलब है आपकी नेट वर्थ जो है ना आपकी 1,00,000 रुपये है। तो मेक श्योर करें आप साल के आखिर में या महीने के आखिर में अपनी नेट वर्थ यानी बैलेंस शीट ज़रूर चेक करें। तीसरा है स्ट्रेटजीज है, आप गुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हर वक्त आप फाइंडिंग करते रहे हैं, यानी जो realtor.ca है या MLS की लिस्टिंग्स हैं उसमें कौन सी लिस्टिंग्स आ रही हैं उसको आप देखते रहें ताकि आपको कोई अच्छी अच्छी डील मिले। और प्रॉपर्टी लेने के बाद जो है ना प्रॉपर्टी मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। उसको प्रॉपरली तरीके से आपको प्रॉपर्टी की देखभाल या उसको मैनेजमेंट करना है। पार्टनरशिप एंड टीम, ये आप जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट ग्रुप जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल्स हों जो आपके आपके सराउंडिंग में आपके दोस्त हों या आपके जो फैमिली मेंबर्स हों जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर हों उनके साथ आप दोस्ती करें, उनसे भी आपको बहुत सारी बातें सीखने मिल जाती हैं। और जो जो एजेंट हैं रियल एस्टेट एजेंट होते हैं वो आपको भी बहुत सारे यानी अपडेट देते रहते हैं कि मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटी है। लेंडर्स हैं, मॉर्गेज ब्रोकर होता है वो आपको लेंडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, कौन सा लेंडर ए है, कौन सा लेंडर बी है। कॉन्ट्रैक्टर है जो आप प्रॉपर्टी जब लेते हो तो उसको उसके लिए रिनोवेशन के लिए कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो कॉन्ट्रैक्टर आपको हेल्प करता है कि इसकी क्या कॉस्ट आएगी। प्रॉपर्टी मैनेजर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि इस जगह आप इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ रेंट अच्छा है। तो ये जो पार्टनरशिप और टीम जो है ना ये रियल इस्टेट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी रियल इस्टेट क्यों हम रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, आपको पता है कि एप्रिसिएशन होती है, वैल्यू बढ़ती है। आज 10 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले आपके आपने कोई प्रॉपर्टी ली होगी या आपके आपके माँ बाप ने कोई प्रॉपर्टी ली होगी, आज उन्होंने कितने की ली थी और आज क्या वैल्यू है। और इवन के मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को देखता हूँ कि कनाडा के अंदर
बहुत सारी प्रॉपर्टी 10 साल के अंदर डबल वैल्यू हो गई है। तो ये यानी इंक्रीज वैल्यू होती है, दाम बढ़ते हैं और आपका जो इक्विटी बिल्ट होती है, यानी आपने आपकी इक्विटी 1 लाख रुपए की हो गई, आप 1 लाख को आप बैंक के पास जाए, मेरी इक्विटी 1 लाख की, उसको आप री इन्वेस्टमेंट करें, यानी बैंक आपको उसके अगेंस्ट में आपको कुछ कैश फ्लो कैश देगी, लोन देगी, तो आपको उसको री इन्वेस्ट करें, तो 1 से 2 प्रॉपर्टी 2 से 3 और 3 से 4 बनाएं। टैक्स बेनिफिट है, आपको पता है कि टैक्स भी में भी आप बहुत सारी चीज़ें डिडक्ट कर सकते हो। कैश फ्लो, आप पैसिव इनकम है आपकी, कैश फ्लो भी हो सकता है और पैसिव फ्यूचर के लिए रिटायरमेंट इनकम हो सकती है। तो ये कि ये जो है गैरी केलर की जो बुक है वो हमें ये चीज़ सिखाती है, थिंक अ मिलियन, बाय अ मिलियन, ओन अ मिलियन, रिसीव अ मिलियन, यानी आप जितना थिंक करोगे और स्पेशली जब प्रॉपर्टी बाय करने में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, सही तरीके से मैथ करना है, सही तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है। ये कि मेरा नाम रहीम अब्दुल है, मैं एडमिंटन के अंदर रियल्टर हूँ, आपको एडमिंटन की मार्केट के बारे में या कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एडमिंटन के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेहरबानी, शुक्रिया।